ने अपना नाम एलबी यादव करके बताया था। क्या एलबी यादव को कोटा पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, उस चीज पे एलबी यादव ने बताया है? जो कोटा पुलिस वाले आप न्यूज देख रहे होंगे उसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। मैं कोटा मतलब राजस्थान में जैसे मैं एंटर हुआ तो इस टाइम चल रहा है इलेक्शंस का टाइम, अभी अगले महीने इलेक्शंस हैं, तो चेकिंग होती है, एंट्री होती है। किसी स्टेट से दूसरे स्टेट में आप एंटर करते हो बाय रोड तो आपकी व्हीकल का एंट्री होती है, रजिस्टर में लिखते हैं वहाँ पे, जो नॉर्मल नाके की पुलिस होती है। तो सेम कई चेक पॉइंट से मैं गुजरा, मैंने एंट्री कराई गाड़ी की, अपनी एंट्री भी कराई बड़ी पीसफुली। एक नाके पे मेरे को पहचाना कि ओ अच्छा, उनने फोटो भी खिंचवाई, मेन चीज़ तो ये उनने फोटो भी खिंचवाई, ऑल दो उनने न्यूज़ में नाम दे दिया कि ऐसे ऐसे। और ये जिसको वो यकीन नहीं आ रहा, मैं जो वहाँ के SHO साहब थे राजस्थान पुलिस के, कोटा पुलिस के, उनकी वीडियो अटैच कर देता हूँ, एक बार ये वीडियो देखो। नाकाबंदी के दौरान चेकिंग की जा रही थी, दौरान चेकिंग एक PB नंबर गाड़ी आई थी, उसमें 3-4 जने सवार थे। इस संदर्भ में उनसे जब बातचीत की गई और उनकी चेकिंग की गई तो एक ने अपना नाम LBC यादव करके बताया था। LBC यादव को ये पता चला कि नोएडा में कोई प्रकरण दर्ज है। इस संदर्भ में हमने नोएडा में संबंधित थाने के DCP साहब और SCP साहब से बातचीत करके, और अभी वो वांटेड नहीं होने से उनके द्वारा बताया गया कि प्रकरण अभी इन्वेस्टिगेशन में है और उनको आवश्यकता नहीं होने से हमने इनको रिलीज कर दिया।